नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको नई नई बिजनेस आइडियाज, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी मशीन लेके आता हूँ जिससे आप अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ, उस मशीन से आप अपने जानवरों को धो सकते हैं या आपको फ्लोर वगैरह साफ करना है या गाड़ी धोने काम करना है, खेतों में आपको पानी लगाना है और इसके अलावा कई सारे काम आप इन मशीन से कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंपनी है राशन एग्रो इंजीनियर्स, जिनके पास इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया कंपनी है, जो ऐसी प्रकार की कई प्रकार की मशीनें बनाती हैं, एग्रीकल्चर की मशीनें बनाती हैं, हॉर्टिकल्चर की मशीनें बनाती हैं, जो हमारे प्यारे किसान भाइयों के लिए काम आती हैं। या उनके अलावा कोई और भी मशीन खरीदना चाहता तो उनके लिए भी काफ़ी मशीनें बनाती हैं। सारी मशीनें यहाँ पर बनती हैं, मेक इन इंडिया कंपनी है, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आज इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो ऑनर हैं, वो मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे व्यूअर्स। सर, हमारे दोस्तों को बताइए कि किस प्रकार से आप ये मशीनें बनाते हैं, कब से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू बताइए। मेरा नाम हर्ष गर्ग है जी, और हमारी जो कंपनी है राशन एग्रो इंजीनियर्स, वो 30 साल पुरानी कंपनी है और हमारी जो कंपनी है वो तरह तरह के कृषि यंत्र बनाती है। तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं जी, वो आज हम लेके आए हैं ये कार वॉशर, स्प्रे वॉशर, जो इनका काम क्या है कि इनके साथ जो है जी, वो अब गाड़ी धोने का काम, अपना घर साफ करने का काम, सोलर पैनल साफ करने का काम, अपने पशुओं को नहलाने का काम, कार शेड धोने का काम, अपना पिग फार्म धोना है, मुर्गियों का फार्म है उसको शेड वगैरह धोने हैं, या आपने गाड़ियाँ धोनी है, ट्राले धोने हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर रोटावेटर, अपने जो कृषि यंत्र आपके पास बड़े हैं उनको साफ करना है, या आपने घरों की सफाई करनी है, या ऐसे आप और भी कोई स्प्रे का काम, अगर आपके जो खेतों में मोटर के ऊपर लाइट है तो आप इससे स्प्रे का काम भी ले सकते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताने वाले हैं? मैं आपको ये हमारा जो है जी छोटा मॉडल, इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसके ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने जो पूरा फ्रेम जो है वो बनाया है चौस पाइप लोहे से, जिसमें पूरी एडजस्टमेंट दी हुई है, और इसके साथ हमने जो है हमारा स्प्रे मैन SP260SS पंप लगाया। SS का मतलब है कि जो इसके अंदर जो प्लंजर है, जो पिस्टन चलते हैं, वो तो 3 प्लंजर है, वो स्टेनलेस स्टील के हैं। इसके गेट वाल भी हमने 2 दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक बार में 2 पाइप लगा के स्प्रे कर सकते हैं, गाड़ियां धो सकते हैं, एक बार में 2 गाड़ियां इकट्ठे धो सकते हैं, 2 घरों को अच्छे से इकट्ठे साफ कर सकते हैं, या बड़े गुरुद्वारे मंदिर होते हैं हमें उनको साफ करना होता है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि यहाँ से दो बार में 2 जगह से पानी निकलेगा एक बार जी में? जी हाँ, जो हमने इसमें पंप लगाया है जी, ये इतना पावरफुल है जो एक बार में 2 गाड़ियों को पूरे अच्छे से पूरे तेज प्रेशर के साथ ये धो सकता है। ठीक है। और इसके अंदर जो हमने ये मोटर लगाई है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्रम्पटन की 1 हॉर्स पावर की मोटर लगाई है, जो कि पूरी कॉपर की मोटर है और क्रम्पटन ग्रीव्स की, जो मतलब बहुत ही जाना माना नाम है मोटर के, इलेक्ट्रिक मोटर के नाम में। ठीक है। और इसको भी हमने जो है पूरा, ये आप देख सकते हैं, ये हमने छतरी वगैरह बना के अच्छे से कवर किया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो है साइड में फैन दिया हुआ है मोटर ठंडा होने के लिए, और ये लेग वगैरह जो है ये पूरी हमने बनाई है, और जो टायर वगैरह दिए ताकि आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके। ठीक है। और इसका हमने यहाँ पे ये प्रेशर रेगुलेटर है, आपने ज्यादा तीखा प्रेशर करना, ज्यादा तेज चाहिए या ज्यादा कम चाहिए, नहीं चाहते कि ज्यादा जोर से प्रेशर बजे, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमने ये पुली दी है, आप देख सकते हैं, ये पुली भी जो है हमारी स्पेशली वेंडियम शाफ्ट की पुली बनी हुई है, इसको हमने स्पेशली डिजाइन करके ये इस हिसाब से बनाया ताकि ये अच्छे से लॉन्ग लाइफ चले और बिना किसी लोड के ऊपर ये पंप को घुमा सके। ठीक है सर। इसमें मैं मीटर देख पा रहा हूँ, ये मीटर किसके काम आता है? ये मीटर प्रेशर मीटर है जी, जो इसका है ये देख सकते हैं आप, 40 तक इसकी जो है वो सुई इसमें हने रखी हुई है, तो आप इसको 0 से लेकर 40 तक आसानी से चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है चलाने। ठीक है सर। गारंटी वगैरह क्या रहती है इसकी? इसकी सर जो है मोटर की रहती है क्रम्पटन की तरफ से 2 साल की, जो आप किसी भी लोकल क्रम्पटन डीलर से इसकी गारंटी का भुगतान कर सकते हो, नहीं तो हमारे द्वारा भी कर सकते हो। ठीक है। और इसकी जो पंप की है वो उसकी 1 साल की फुल वारंटी रहती है, जिसके अंदर अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, तो वो फ्री में पार्ट नया बदल के दिया जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा मैं सेकंड मॉडल की बात की जाती हूँ। ये जो हमारा मॉडल है जी, ये आता है, ये काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी है, इसके अंदर हमने जो ये मोटर लगी हुई है 3 की मोटर लगी हुई है, 3 किलोवाट की, 3 HP की, तो इसके अंदर जो ये पंप लगाया है ये भी हमने बड़ा लगाया है, और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो ये प्लंजर है, ये जो प्लंजर है, ये जो सफेद वाला पार्ट है, ये सेरामिक का प्लंजर बना हुआ है, सेरामिक का पत्थर आता है उससे प्लंजर बनाए गए हैं, और इस प्लंजर के अंदर हमने जो तीनों प्लंजर हैं, इससे जो पत्थर की वजह से ये इसकी घिसाई नाममात्र के बराबर है और लाइफ बहुत लंबी है, और इसके अंदर जो हमने वी पैकिंग भी यूज करी है वो लैदर की वी पैकिंग यूज करी है, लैदर की वी पैकिंग की जो आम जो पंप होते हैं उनमें रबड़ वाली वी पैकिंग यूज की जाती है, तो लैदर वी पैकिंग से इसकी एक तो लाइफ बढ़ गई है और प्रेशर भी अच्छा मिलने लग गया है,
प्रेशर इसका इतना ज्यादा है, आप देख सकते हैं इसमें हमने तीन निप्पल दिए हैं, तो आप तीन गेट वाल दिए हैं, तो एक बार में इकट्ठे आप तीन पाइपों के साथ इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो पाइपिंग वगैरह भी यूज करी हुई है आप देख सकते हैं, इसके हमने इसके अंदर वायर डाली हुई है ताकि ये इकट्ठी वगैरह पानी खींचते हुए इकट्ठी वगैरह ना हो। इसके अंदर भी हमने ये जो सारे पॉइंट्स वगैरह है ये भी हमने सारे मेटल के दिए हैं, कोई प्लास्टिक का इसमें यूज नहीं करा गया है, ठीक है। और इसमें जो बेल्ट वगैरह भी है ये भी हमने सारी कॉनकॉर्ड की बेल्ट ISI बेल्ट वगैरह यूज करी है, तो इसको कई सालों तक ये चलती रहती है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ से इसमें पानी आएगा और ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये तो ये यहाँ से इसमें पानी इसके अंदर जाएगा जी, यहाँ से जो पानी आगे नहीं जा सका ये वापस टैंक में जाएगा, और यहाँ से जो हमने आगे अपने पाइप लगा के जो ये देखिए हमने वॉशर वगैरह जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो हमने ये गन वगैरह भी है ये भी स्पेशल इसी के लिए दिए, ताकि पकड़ के छोटी देने का मकसद ये है कि मगरारों के जो ऐसे मोटरसाइकिल गाड़ियों के ट्रैक्टर के मगरार होते हैं, ट्रैक्टरों वालों में तो फिर भी जगह ज्यादा रहती है, गाड़ी मोटरसाइकिल में जगह कम रहती है तो हाथ नहीं जा पाता है, तो इसको आसानी से हम घुमा के अंदर से आसानी से लेके जा सकते हैं और यहाँ पे पकड़ने के लिए अच्छे से। और ये पाइप भी जो है आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर मेड इन कोरिया मतलब कोरिया की बनी हुई पाइप है यासुन की, वो हमने दिया जिसको अब जैसे मर्जी मरोड़ी है करोड़ी है इसका कुछ भी करिए ये खराब नहीं होती है। ये पाइप इसके साथ में फ्री मिलेगा ये? हाँ, इसके साथ जो हम कार वॉशर के साथ आपको है जो 40 फुट पाइप हम साथ में देंगे और ये साथ में ये जो है वॉशिंग वाली नोजल देंगे, अगर कोई व्यक्ति इसके साथ स्प्रे करने का काम करना चाहता है तो वो इसके साथ जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी मेरे पास जो है 200 फुट का बंडल पड़ा है जी, तो ये 200 फीट का ऐसे इसमें 300 फीट 400 फीट के बंडल आते हैं, तो वैसे वैसे वो लगा के इसके साथ स्प्रे वाली गन लगा सकता है जैसे कि ये पड़ी है, तो ये स्प्रे वाली गन लगा के वो स्प्रे वगैरह भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप ये स्प्रे गन है, ये भी आप इसमें लगा सकते हैं एक्सटर्नल तरीके से, तो अटैचमेंट भी आप एज ए अटैचमेंट इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसमें और खासियत क्या है कि जी जो मैंने आपको मॉडल दिखाए हैं जी, तो अगर कोई किसान चाहता है कि वो ये पंप भी लगा सकता है, ये हमारा 45 ऑटो सी मॉडल है। ऑटो सी का मतलब क्या है कि जैसे अभी इसमें क्या है कि इसमें अगर हम चलते रहेगा ठीक है, तो अगर हमने पानी को रोकना है तो हमें या तो अपनी मोटर बंद करनी होगी या हमें ये जो गेट वाला है ये वापस पंप के पास जाके उठाना पड़ेगा, बट अगर ये अगर हमने ये ऑटो वाला पंप लगा दिया तो ये ऑटो कट है, मतलब इसके साथ हम ये क्लच वाली गन लगा सकते हैं, और अगर हमने इसको क्लच को छोड़ दिया तो पानी निकलना बंद हो जाएगा और पंप ने जो है वो ऑटोमेटिक कट कर जाना है, तो मोटर चाहे चलती रहे पानी आगे से नहीं निकलेगा, मोटर और पंप दोनों लोड फ्री उठाते हैं, पानी उठाना ही बंद कर देता है। तो ये इसके साथ ना ये अटैच करना पड़ेगा? नहीं, हाँ मतलब जो ये हमारे आगे वाला पंप है जी हमें ये चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आगे वाला जो ये हिस्सा ये हमें चेंज करना पड़ेगा, ये उतार कर हमें ये वाला पंप लगाना पड़ेगा। इस पंप की थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, बट इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें आप क्लच वाली गन लगा सकते हो, जिसमें आप ये गन को छोड़ दिया तो ये पंप ऑटोमेटिक कट कर जाएगा और पानी ये नहीं होगा कि आपका पाइप फट गया या आपको पंप का नुकसान हो गया या मोटर लोड लेने लग गई और फूक गई। मतलब जब हम इसको दबाएंगे तो पानी निकलेगा और छोड़ देंगे पानी निकलना बंद हो जाएगा और मोटर के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई लोड नहीं आएगा, कोई आपकी मोटर गर्म नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। और इनके साथ जो है जी आप तकरीबन इस वाले जो हमारा मॉडल है इसके साथ आप 500 फुट लंबा पाइप लगा के आप काम ले सकते हो, अगर कोई ज्यादा जैसे दूर पड़ा है पानी का तालाब या पानी नहर वहां रख के अपने लंबा पाइप लगा के अपना काम लेना वो भी ले सकते हो। और जो हमारा ये वाला मॉडल है इस मॉडल के साथ जी आप 1000 फुट पाइप लंबा लगा के काम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाले आने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो अभी ये अगला मॉडल है जी कि कई जगहों पे जैसे बिजली की समस्याएं रहती है जी, तो वहां पे ये हमने इंजन के साथ हमने अपना पंप रेडी किया जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंजन और पंप है वो डायरेक्टली कनेक्ट किए हुए हैं, कोई बेल्ट वगैरह सिस्टम नहीं है, तो इससे इसकी मेंटेनेंस कम रहती है और इंजन की सीधी शाफ्ट पंप में जाने से जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। और साथ में हमने इसमें जो है ये फोम वॉश वाला टैंक साथ में दिया है, ये फोम वॉश वाला टैंक में इसमें जो है आप शैम्पू वगैरह या सरफ वगैरह घोल के रख सकते हो, और यहाँ पे इसका गेट वाल ऑन करके ये जो पंप है ये वॉशिंग के साथ साथ ही आपको जो है ये पूरा कंट्रोल करता फोम बनाता जाएगा आगे पानी के साथ, और यहाँ से इसका प्रेशर रेगुलेट होता है, और ये भी जो है हमारा ऑटोमेटिक पंप है, इसके साथ भी अगर आप गन बंद कर दोगे तो जो पंप है उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये इसके अंदर पहले से इनबिल्ट है? हाँ जी हाँ, ये इनके अंदर ही ऑटोकट इनबिल्ट है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका दोनों का लाइव डेमो दिखाता हूँ, अभी आपको इसका चला के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके लाइव डेमो किस तरीके से ये तीनों मॉडल काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका प्रेशर देखिए आप, यहाँ से लेके मैं आपको दिखा के आता हूँ और मैं कितनी दूरी पे खड़ा होता हूँ, यहाँ पर इसका प्रेशर है, ये खेत यहाँ पर गीला हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर इसका प्रेशर आ रहा है,
मेरे कैमरे पे भी पानी आ रहा है हल्का हल्का। और देखिए कितनी दूरी से ये प्रेशर हो रहा है इसमें, देखिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं वो पेड़ की जो हाइट है तकरीबन यहाँ से 40 फुट होगी कम से कम, तो वहाँ पे भी ये सारे उसके पत्ते अच्छे से गीले कर रहे हैं। तो प्रेशर की तो पूरी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों प्रेशर जमीन में अभी मिट्टी लग रही है। और जैसे ये साइकिल वगैरह धोना हो जी तो आप आसानी से इसको ये सारे पत्ते वगैरह ये देखिए, ये देखिए दोस्तों प्रेशर देखो इसका आप, पत्ते डालते ही पानी सारे उड़ रहे हैं। और जमीन पर एक बार लगा के देखा वहाँ पे, ये देखिए जमीन में भी दोस्तों गड्ढा हो गया है, ये देखिए गड्ढा कर दिया जमीन में, प्रेशर काफी तेज है इसका। और एक मिनट में ही आपका पूरा व्हीकल ऐसे धो देगा, ये देखिए सारा इसको मिट्टी से भर गया था ये, अभी सारा हमने इसको अच्छे से साफ कर दिया है। पेड़ों में पानी लगाना हो, खेतों में आप पानी लगाना हो, या कोई और काम करना हो, धुलाई का सफाई का, तो ये आप कर सकते हो अच्छे से। गाड़ी वाड़ी धोनी हो बड़ी आसानी से हो जाता है। प्लांट वगैरह अपने पैनल वगैरह भी धोने हैं, देखिए यहाँ से वो सड़क तक वहाँ इतनी दूर है, किसका प्रेशर जो है वो बंद रहे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है किसानों को। अगर इसको अच्छे से आप वॉशिंग वगैरह का काम ले सकते हैं, और इसका प्रेशर जो है ये यहाँ से कंट्रोल हो जाता है, यहाँ से जो है हम इसका प्रेशर जो है वो कंट्रोल करके ये देखिए हम कम भी कर सकते हैं, अगर कुछ चाहता है ये इतना कम भी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों इसका प्रेशर कम हो गया, कम करने पर कम भी हो गया, बढ़ाना देखिए बढ़ाना हो तो बढ़िया। ये देखिए कितना तेज प्रेशर इसमें जा रहा है, आगे तक जो खेत की खेत का जब जो हम प्लॉट में खड़े हैं वहाँ पर पूरा जो लास्ट का एंड तक है वहाँ पर ये पूरा जा रहा है, और बिल्कुल शांत मशीन है, कोई इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई प्रेशर नहीं है, बड़ी आराम से काम कर रहा है देखिए। तो अगर किसी ने जैसे विंडशील्ड वगैरह पे हमने ऐसे फॉग बनानी है तो ये ऐसे फॉग भी हम इस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए ये फॉग बन गई है, तो ये सारा कंट्रोल यहीं से है, ये पूरा फॉग इसका आसानी से निकल रहे हैं। शीशे वगैरह पर अगर दोस्तों करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपका शीशा भी नहीं टूटेगा, सफाई भी आराम से हो जाएगी। और अगर जैसे कि आपने इसको सडनली बंद करना है जी, तो जो सडनली बंद करने के लिए आप ये ऊपर का ये इसको ऐसे खड़े कर देंगे, ये देखिए तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, और फिर ये आप गेट वाल को बंद कर दीजिए तो कोई दिखे मोटर पे कोई लोड नहीं है, कोई कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम इसको साइकिल को धो के दिखाते हैं आपको, देखिए तो फोग वाला निकल रहा है इससे, फोग तरीके से निकलेगा आराम से। दोस्तों अभी मैंने आपको ये मॉडल दिखाया था, ये आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मॉडल है, जिसमें आपके एक इंजन लगा हुआ है 7.5 जो की पावर का इंजन इसमें हमने लगाया है, 7.5 देख सकते हैं आसानी से, 7.5 हॉर्स पावर का है, और इसका प्रति घंटा 1 लीटर का कंजम्पशन है, तो 1 घंटे में आपका 1 लीटर लेगा, और 1 घंटे में आपकी जो ये सैकड़ों गाड़ियां धो देगा आसानी से। अगर आप एक लाइन में लगा के रख देंगे तो बहुत सी गाड़ियों को ये 1 लीटर पेट्रोल से धो देगा, तो इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ही कम रखी गई है। और अब प्रेशर तो आपने देख ही लिया जो हमने आपको दिखाया अभी डेमो में, प्रेशर में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, इंजन पूरा तगड़ा है, जो पंप है वो भी पूरा हैवी ड्यूटी है, इसके साथ भी 3 गेट वाल है, ऑटो कट पंप है, गन वगैरह के गन भी लगा दोगे और बंद भी कर दोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, फोम वॉश वाला टैंक है इसमें, सारा फोम भर के आप रख दीजिए तो झाग वगैरह अच्छे से बन के बाहर निकलेगी। तीनों मॉडल के लाइव डेमो दिखाए, इसके बाद में मैं प्राइस जानना चाहूंगा। तो जो हमारा ये वाला मॉडल है जिसमें हमने 260 SS का पंप लगाया है और इसके अंदर पूरा कंट्रोल सिस्टम दिया है, क्रम्पटन की मोटर लगाई है, तो इसके साथ जो है 40 फुट पाइप, और ये जो हमारी वॉशिंग वाली स्पेशल गन है,
ठीक है। ये जो हमने अभी आपको जिसके साथ डेमो दिखाई है, ये जो स्पेशल गन है, इसके साथ इसकी जो कीमत है वो 19,500 पड़ेगी। 19,500 में इसके अंदर GST और इंश्योरेंस जो है वो दोनों इंक्लूड है। और ये इसकी जो पंप की 1 साल की फुल वारंटी है और मोटर की 2 साल की वारंटी रहेगी। ठीक है सर। और अभी अगर हमने कोई किसान भाई इसमें ऑटो वाला पंप जिसकी हमने बात करी थी ऑटोमेटिक पंप लगाना चाहता है, जिसके साथ ये गन लगेगी फिर क्लच वाली, जिसको आप आसानी से छोड़ के पानी बंद कर सकते हो और लगाना हो तो ऐसे लॉक लग सकता है। तो इस पंप के साथ और ये गन के साथ जो है इसका 1,000 रुपया ज्यादा, मतलब ये 20,500 में फिर हमें ये वाला मॉडल पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा पंप आ गया जी, ये बड़ा 534 C3 पंप है हमारा सेरामिक के प्लंजर के साथ, जिसमें 3 kW की 3 HP की कॉपर की मोटर दी गई है। और इसमें भी हमने पूरा जो स्टैंड वगैरह आप हैवी बनाया, आप देख सकते हैं कोई एंगल वगैरह का यूज़ नहीं है, सारा का सारा चैनल वगैरह लगाया, बड़े टायर दिए। तो इसके साथ जो है हमें 22,500 रुपये कॉस्टिंग जो है हमें आती है, तो हम 22,500 में इसको हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं और इसमें भी GST और इंश्योरेंस इसके इंक्लूडेड है। और उसके बाद जो हमारा ये आ गया जी इंजन वाला मॉडल, तो इसमें क्या है कि इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं, इसमें वॉशिंग का भी काम ले सकते हैं। तो इसके साथ जो है हम एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं, तो इसकी जो है ये कीमत पड़ती है 24,500। पर 24,500 में हम आपको ये वाला जो है देंगे, साथ में 30 फुट पाइप और वॉशिंग वाली जो मैंने आपको नोजल दिखाई है वो देंगे, और साथ में मैंने जो आपको ये 200 फीट वाला बंडल दिखाया था, ये 200 फुट पाइप भी साथ में देंगे और स्प्रे करने वाली गन भी देंगे। मतलब ये पाइप भी इसके साथ में मिलेगा जी। हाँ, 200 फीट का। हाँ, तो 24,500 में इंजन पंप 30 फुट पाइप और वॉशिंग करने वाली नोजल, 200 फुट लंबा पाइप स्प्रे करने वाला और स्प्रे करने वाली जो ये गन है, ये दोनों इसके साथ में, ये सारा कंप्लीट साथ में आएगा 24,500 में। सर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये तीनों आपके मॉडल हैं, इनकी गारंटी वारंटी बता दीजिए आप। इनकी जो गारंटी वारंटी है हमारा ये वाला पंप की जी 1 साल की रहती है, मोटर की 2 साल की। इसमें पंप की जो प्लंजर होते हैं उसकी 2 साल की रहती है, बाकी 1 साल की रहती है। और इस वाले जो मॉडल है इसकी भी 1 साल की ही फुल वारंटी कवर रहता है। सर आफ्टर वारंटी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो किस तरीके से सर्विस देंगे आप? आफ्टर वारंटी इसके जो हमारे पास स्पेयर पार्ट है, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शुरू में हमने बताया था जी, तो हमारे पास हम रोज इसको पंप को बनाते हैं, तो सारे पार्ट्स A to Z अवेलेबल रहते हैं। अगर बाद में भी किसान भाई हो गए या किसी भी यूजर को इसकी बाद में भी जरूरत पड़े तो वो हमसे ये पार्ट कोरियर के थ्रू मंगवा सकता है। वो हमें व्हाट्सएप करेगा कि सर हमें ये पार्ट की जरूरत है, तो हम उसको वो पार्ट का प्राइस बताएंगे और वो पार्ट उसको कोरियर से उसके घर पे भिजवा देंगे। ठीक है, अगर सर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं? ऑर्डर करने का बड़ा ही आसान तरीका है सर, ऑर्डर जो हमारी बुकिंग अमाउंट है वो 2,500 रुपया है, तो 2,500 रुपया डाल के वो हमारी कंपनी के अकाउंट में 2,500 रुपया डाल के वो इसकी बुकिंग कर सकता है। और अपना एड्रेस जो है वो इंग्लिश में हमें भेज सकता है या आधार कार्ड भेज सकता है, तो उस पते पे जब हम मशीन भेज देंगे तो मशीन वहाँ जब पहुँच जाएगी तो वो बाकी पैसा देकर मशीन वो अपनी ले सकता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये तीनों मॉडल दिखाए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है बाकी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी मशीनों की वीडियोस और ज़्यादा प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहें। साथ में दोस्तों आप कमेंट क्यों नहीं करते यार, कमेंट किया करो ताकि हमें पता लगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली और भी हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे। वीडियो को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।